हेलो, आज मैं देखिए आपको क्या बताने वाली हूँ। यह देखिए बैंगन, जो गोल वाले लंबे वाले बैंगन होते हैं वो गोल गोल काट लेने हैं, और ये ऐसे ही आलू काट लेने हैं। और ये देखिए सरसों का तेल गरम हो रहा है, मेरा स्टील का ही पैन है, कोई भी नॉन स्टिक पैन नहीं लेने हैं। तेल गरम होने के बाद गैस बंद कर देंगे तो हम ये सब्जी इसमें ऐड करेंगे। ये सिंपल सब्जी कैसे बनेगी आपको मैं बताती हूँ। तेल गरम, अभी गैस बंद है। देखिए मैं आपको बैंगन भी दिखाती हूँ। देखिए ये वाले जो साइज़ के लंबे होते हैं इसमें ये अच्छे लगते हैं। फिर आप बताएंगे, बोलेंगे कि मैं सब्जी नहीं बताती कौन सी है। एक्चुअल मैं काट लेती तो भूल जाती हूँ। देखिए अभी इसको स्लो हाथ से पानी को निकाल के इसमें देखिए ऐसे डालते जाएंगे। और अगर आप पानी की पहली चीज़ डालो तो छींटे आते हैं, तो थोड़ा ढक देंगे। ये देखिए जितने भी पैन में आते हैं आलू और बैंगन आप इसको डाल देंगे, और स्लो गैस रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करना इसको, हमको अच्छे से फ्राई जैसा करना है। तो ये मैं एकदम इजी वाली ड्राई सब्जी आपको बताती हूँ। अभी इसको हम स्लो गैस पे इसको ढक देंगे। ये देखिए ऐसे बनेगी ये सब्जी। इसको हल्के हाथ से हम इसको पलटी करते जाएंगे, एक एक पीस को स्लो हाथ से, और बहुत ही सुंदर कलर इनका आता है। बट आपको जल्दबाजी नहीं करनी है इसको। सॉरी, मेरे हाथ में, सिंगल हाथ में कैमरे से कर रही हूँ तो हो सकता है कैमरा घूम जाए, सॉरी। ये देखिए ऐसे पूरी सब्जी आपको एक एक पीस को आपको स्लो हाथ से पलटी करते जाना है। देखा आपने, ये प्यारा सा कलर आता है इसका, सब्जी का। इसमें देखिए मैंने, आपने ध्यान दिया, मैंने नमक वमक कुछ भी नहीं डाला, अभी कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे। अब मैं चम्मच दूसरा लेती हूँ, वुडन के चम्मच से पलटी नहीं होते ये, इनको स्टील के हाथ का काम लगेगा। ये देखिए ये एकदम सिंपल वाली सब्जी है, बट इतनी टेस्टी लगेगी आपको। ये देखिए एक एक पीस को बस धीरे धीरे आपको पलटी कर देना है। देखिए मैंने, देखिए सब पूरे आपके सामने ही कैमरे में पलटी किए हैं। देखिए एक ये बच गया है जो कि हो नहीं रहा। चल चलो 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 चलो, हो जाओ। हाँ ये देखिए, ये देखिए अभी बस जितनी देर हमने इसको, मैंने ज़्यादा ज़्यादा स्लो गैस पे रखा होगा 5 मिनट या 6 मिनट, बस इतनी देर में ये अंदर से पक भी गए। उनका कलर भी देखिए कितना सुंदर आ गया। ऐसे ही इसको वापस मैं ढकूंगी 5 मिनट के लिए, और ये मेरी सुंदर सी ड्राई वेजिटेबल रेडी होगी, बहुत ही अच्छी। ऊपर से सूखे मसाले डालेंगे, ये होने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरी कितनी प्यारी सब्जी देखिए रेडी हो गई, मैंने निकाल लिए। ये देखिए ऐसे पूरा तेल देखिए नीचे बच जाता है, और ऐसे आपकी ये सब्जी रेडी। आपको दाल राइस के साथ खाना है, खिचड़ी के साथ खाना है, किसी के साथ भी खाना है। और ये आलू एकदम क्रिस्पी सुंदर पक चुके हैं, बैंगन बहुत टेस्टी। अब इसमें आप बोलेंगे मैंने मसाले तो डाले नहीं। हाँ नहीं डाले, अब डालूंगी। ये देखिए, ये देखिए नमक, रेड चिल्ली, ड्राई कोरिएंडर पाउडर और अमचूर पाउडर, इन चारों का मिक्सचर ऐसे बना के रख लेना है। और उसको देखिए हाथ से हम इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे, और बस थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करेंगे हम। और चाहें तो इसको आप ऊपर नीचे हिला भी सकते हैं, ठंडे होने के बाद ऐसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अभी इसका टेस्ट आप बोलेंगे कि कम ज़्यादा, वो आपके हिसाब से रख लीजिए। लेकिन उल्टा पुल्टा करके आप ऐसे सूखा ड्राई मसाला बस डालना है, और तेल के अंदर नहीं डालना, नीचे उतारने के बाद डालना है। और ये सब्जी आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप खिचड़ी बनाइए, दाल बनाइए, किसी के साथ भी खाइए, बहुत मज़ा आएगा।
गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।